नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द खबरदार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवम कुशवाहा। कल पूरे देश में करवा चौथ का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वही धार्मिक नगरी उज्जैन में भी करवा चौथ का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। त्योहारों की नगरी उज्जैन में करवा चौथ के दिन चिंतामन गणेश मंदिर पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर में आज विशेष श्रृंगार पूजन भी किया गया है, साथ ही छप्पन भोग भी लगाया गया। आज के दिन सुहागिन महिलाएं जोड़े में आकर यहां पर पूजन अर्चन करते हैं और अखंड सौभाग्य की कामना करते हैं। आपको बता दें, चिंतामन गणेश मंदिर की स्थापना रामायण काल में भगवान श्री राम ने वनवास काल के दौरान की थी, जो उज्जैन से 6 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर काफी पुराना एवं विश्वविख्यात है। हमने यहां पर पहुंचकर मंदिर के पुजारी एवं दर्शनार्थियों से बात की, तो चलिए आपको सुनाते हैं कि यहां के पुजारी ने क्या कहा। आज करवा चौथ के उपलक्ष्य में आज भीड़ है, क्या महत्व है आज मंदिर का? भगवान श्री चिंतामन गणेश जी के यहाँ प्रातः मंदिर के कपाट खुले, उसके बाद पंचामृत अभिषेक पूजन हुआ, उसके पश्चात भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया। विशेष श्रृंगार में आज भगवान को कुमकुम लगाया गया है, जो सौभाग्य की निशानी रहती है। अखंड सौभाग्य के लिए कंकुर मेहंदी चढ़ाई जाती है गणेश जी को। मेहंदी भी पूरे वर्ष में खाली आज के दिन गणेश जी को चढ़ाई जाती है, और साथ में कंकुर का विशेष श्रृंगार कर छप्पन भोग लगा के महाआरती की गई है। आज के दिन चतुर्थी पूरे वर्ष में 4 बड़ी चतुर्थी मनाई जाती है, जिसमें आज की चतुर्थी का विशेष महत्व है। आज के दिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महिलाओं की काफ़ी विशेष भीड़ है आज। आज विशेष करके महिलाओं की विशेष भीड़ रहती है, और नव दंपति जोड़े से दर्शन करने आते हैं, जिनका पहला करवा चौथ का उपवास रहता है। वो भगवान से कामना करने आते हैं कि उनका जो सौभाग्य है वो अखंड रहे। आपका शुभ नाम? शंकर पुजारी।